Welcome students. So today we are going to talk about how the successful students in NEET in the previous years got their excellent ranking. Directly agar hum baat kare to kuch student वन डिजिट में आ जाते, ऑल इंडिया रैंकिंग की बात हम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट टू डिजिट्स में आ जाते, कुछ थ्री डिजिट्स में आ जाते, जिनका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म है। तो क्या वजह है, हाउ दे गॉट दिस मच रैंक? तो फिर उनके मुलाकातें या फिर उनका अगर हमने थोड़ा सा रिजल्ट के बाद का जो इंटरव्यू होता है वो अगर हमने कंसिडर किया, उसके बारे में अगर हमने सोचा, तो एक कॉमन सी बात हमें समझ में आती है। वन थिंग, रिजल्ट के डे तक, रिजल्ट लगने के टाइम तक, लिस्ट में नाम आने तक उनको भी पता नहीं होता कि व्हाट विल बी their rank in the list, क्या रैंक हो सकती है उनकी, ये उनको खुद को भी पता नहीं होता। They are very common, like us, अपने जैसे ही वो common होते हैं कि उनको भी पता नहीं होता कि हमारा result क्या होने वाला है। Yes, इतना surety है कि yes, they will get good marks, लेकिन ranking इतना अच्छा आएगा उनको पता नहीं होता। बाद में इंटरव्यू के टाइम में उनका वो रूटीन बताते हमें कि यस, हाउ डिड दे प्रोसीड ड्यूरिंग दैट थ्रोट प्रिपरेशन ऑफ टू इयर्स, 11th का प्रिपरेशन, 12th का प्रिपरेशन करते समय उन्होंने क्या चीजें फॉलो की, आखिरी दिन तक उन्होंने कैसा फॉलो किया अपना टाइम टेबल। तो उसमें कुछ सच्चाई भी होती है और कुछ थोड़ी बहुत ऐसी भी बातें होती है कि जो जमाने को बताने के लिए होती है कि यस आई एम डिफरेंट देन यू। लेकिन सच्चे दिल से अगर उनका इंटरव्यू उन्होंने प्रेजेंट किया तो ये कॉमन बातें हमें दिखाई देती कि यस दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन लाइक अस। उनके भी माइंड में कभी ऐसा विचार आता है या आता था कि यस क्या ये बोरिंग है, क्यों पढ़ाई करना है, चलो आज पढ़ाई करते ही नहीं, ऐसी कुछ बातें उनके भी माइंड में आती है। थोड़ी देर के बाद वो रिकवर करके फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते, ये सोच के नहीं कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, नो नो, मुझे पढ़ाई करना है। मे बी किसी का ख्वाब मुझे हकीकत में उतारना है या फिर मुझे कुछ करके दिखाना है, इस जिद से वो काम करते रहते। उनके भी घर में अपने छोटे भाई या बड़े भाई, बड़े अपने जितने भी मेंबर्स है फैमिली के, उनके साथ अनबन होती रहती, उनका भी टकराव होते रहता है कि उनकी भी, उनको भी गुस्सा आता, उनको भी रोना आता, उनको भी नींद आती, ये सारी बातें वेरी कॉमन है। लेकिन उनका डिफरेंस बाकी लोगों से कहां पर दिखाई देता, आई एम गोइंग टू टेल यू कि नींद के टाइम में नींद होगी, खेलने के टाइम में खेलना हुआ, टीवी देखने का समय टीवी देखने का समय है, लेकिन एक बार डिटर्मिनेशन हो गया कि मुझे अब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करते समय उनका माइंड थोड़ा भी इधर या उधर नहीं होता, कंप्लीटली इन द स्टडी, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री, वेदर इट इज बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट की वो पढ़ाई करे, जो भी टॉपिक की पढ़ाई करे, वो 100% प्योर माइंड से करे, मतलब दूसरा कोई थॉट माइंड में नहीं है। इस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं, सो दैट ऐसे अगर प्रिपरेशन की आदत हमें भी लग गई कि यस चलो खेलना हो गया, टीवी देखना हो गया, खाना हो गया, टाइम पास हो गया, नींद हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, पढ़ाई करना है, तो हर एक के डेली रूटीन का हिस्सा है कि यस चलो आज पढ़ाई नहीं किया। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसको कुछ करके दिखाना है। हाँ, पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग है, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता, उनकी ट्रिक्स अपने अपने वो बनाते रहते, टीचर ने जो पढ़ाया वो समझने के बाद वो अपना खुद का आकलन उसमें लगा देते कि हाउ टू रिमेम्बर दिस टॉपिक, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ये बातें वो करते। इसके बाद
का समय जो भी होगा, किसी का 2 घंटे में पढ़ाई हो जाता, किसी को 4 घंटे लगते, किसी को 8 घंटे लगते। एक बार वो आदत लग गई पढ़ाई की, फिर कभी कभी तो ये हो जाता था, कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि हम 14 घंटे कैसे पढ़ाई किया पता ही नहीं लगा, इतना इंटरेस्ट उसके अंदर, वो टॉपिक के अंदर अगर आ गया तो यस डेफिनेटली वी आर डूइंग लॉट ऑफ आवर्स ड्यूरिंग डे टाइम। 24 आवर उनको भी मिल रहे, हमें भी मिल रहे, हम लोगों का टाइम पास ज्यादा हो रहा, उनका कम हो रहा, ये डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता। और लास्ट के 2-3 मंथ्स, जैसे कि अभी एग्जाम आने वाली है, जनरली एवरी ईयर नीट की एग्जाम मई में होती है, पहले वीक में होती है, 10 तारीख के अंदर होती है, एक्सेप्शनल केसेस अलग है, लेकिन ये हकीकत। तो 2-2.5 महीने का या 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरिंग दैट उनका शेड्यूल अगर आपने पूछा उनको, तो ये पता लगता कि दे आर नॉट स्टडिंग, देन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सॉल्विंग द पेपर्स। कुछ बच्चे से मैंने देखे कि उनका एवरीडे मिनिमम 2 पेपर वो सॉल्व करते, कुछ बच्चे तो 3-3 पेपर सॉल्व करते, एक पेपर के लिए कंप्लीट सिलेबस के ऊपर 3 घंटे, मतलब 3 3 9 9 आवर्स उनके पेपर सॉल्विंग में जाता। रिमेनिंग जो टाइम उनके पास बचता खाना पीना सोना होने के बाद, उसके वो टाइम के अंदर वो क्या करते कि व्हाट दे फेस ड्यूरिंग द पेपर सॉल्विंग द पेपर, क्या प्रॉब्लम उनको आया था, ये प्रॉब्लम के ऊपर वो पढ़ाई करते, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते, सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। ऐसा करते करते 2-3 महीने में जितने भी पेपर्स अवेलेबल है उनके सारे पेपर्स हो जाते, माइंड एकदम क्लियर हो जाता, पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू कि अगर हमें बायोलॉजी में 350 या उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन कैसे, आप लोगों को एक कोई फॉर्मूला नहीं रहता कि ऐसे ऐसे वो मार्क्स ले जाते, तो उसके लिए अगर आपका एक रीडिंग में काम हो गया तो चलो ठीक है, कुछ लोगों को 2 रीडिंग, कुछ लोगों को 3 रीडिंग, कुछ लोगों को 5 रीडिंग, 6 रीडिंग, वो अपना अपना है कि हमारी क्लियरिटी कब आती है, तब तक उसका एनसीईआरटी का जितने भी टेक्स्ट हमारे पास है वो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम, या फिर जब तक क्लियर नहीं होती तब तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा, ये प्लेटू स्टेज आ जाता है कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं हमें, वेदर इट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री और एनी अदर थिंग। अब क्या करना है, उसके ऊपर सॉल्यूशन चुनने, उसके पेपर सॉल्व करने। तो पेपर सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन करते 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 एक लेवल आ जाती कि उनको असली नीट की जो एग्जाम है वो भी एक नॉर्मल एग्जाम के जैसे वो सॉल्व करके आ जाते हैं विदाउट एनी बर्डन। लास्ट के 1-2 दिन जबकि एग्जाम है, अभी हमारी नीट की एग्जाम है, तो उसके 1-2 दिन पहले तो बिल्कुल ना पेपर सॉल्व करना है ना कुछ पढ़ना है, ये भी कुछ बच्चों की हकीकत होती है। आखिरी दम तक पढ़ेंगे तो वो बर्डन हो जाता, नो नो फेल रिलैक्स। एग्जाम के पहले 1-2 दिन जो है, अभी 13 सितंबर को एग्जाम आने वाले, तो आई विल टेल यू कि 10 तारीख तक पढ़ो, बाकी के दिन यस एंजॉय, वॉच दी टीवी, एंजॉय दी मूवी, बिल्कुल खा पी के तंदुरुस्त रहो, एंड जो भी हमने काम किया उसका फल आपको मिलने वाला है, इस तरह से प्रिपरेशन हो जाती है। एंड मे बी पॉसिबल आपके लिए भी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी भी रैंक फर्स्ट सिंगल डिजिट में आ सकती है, 2 डिजिट में आ सकती है, 3 डिजिट में आ सकती है, इट मीन्स एडमिशन इज कन्फर्म। और जो बातें हो रही कि एनसीईआरटी ने सिलेबस कम कर दिया, वो आपके लिए लागू नहीं है, आपको पूरा पढ़ाई करो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो स्टूडेंट अभी 11th में है या 12th में है उनके लिए। ओके सो इस तरह से अगर आप लोग दम लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट डिफरेंट देन यू, और दे आर नॉट डिफरेंट फिजिकली मेंटली और जेनेटिकली, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, बट वॉट इज द डिफरेंस, दे डू द थिंग डिफरेंटली। ये कहावत आपको पता होगा कि सक्सेस इज ड्यू टू दीपल आर डूइंग द थिंग इन अ डिफरेंट वे, जो कॉमन पीपल करते हैं उससे थोड़ा हटके वो करना है,
इस वजह से सक्सेस मिल जाता है। आई नो दैट कि आप लोग भी अगर इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, अभी 2 महीने का टाइम हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन का बेनिफिट हमें लेना है एज अ अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी में ये हकीकत अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, ये जो संकट है इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, आपका देखिए आपका लाइफ बदल जाएगा एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।